हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 5 मीटर का प्लेन फैब्रिक लिया है। अब इसको ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसमें से कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके एक साइड ओपन साइड और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। कुर्ती के टॉप पार्ट की लेंथ 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी सेम 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पर कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और राउंड शेप में बैक आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल दोनों की मार्किंग कर ली है। अब 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक विड 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। नेक लेंथ 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और फ्रंट नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग कर देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, बस एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। कुर्ती के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट सेट करेंगे और इसके साइड से मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा लेंगे। अब टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखते जाएंगे और 7 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे। अनारकली कुर्ती के बॉटम पार्ट की लेंथ 33 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 33 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कुर्ती के बॉटम पार्ट के दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब नीचे वाले सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम पार्ट में दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर दी है। अब साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से अनारकली कुर्ती के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। चूड़ीदार स्लीव्स बनाएंगे, तो स्लीव्स की रेडी लेंथ 25 इंच है। 25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी 25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे मार्जिन के लिए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल साइड से ओपन साइड से 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और फोल्डेड साइड से स्लीव्स के आर्म होल की शेप देते हुए एस शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। बॉटम साइड से स्लीव्स की विड्थ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कर दी है। अब साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। सेंटर में कट लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इसमें दोनों स्लीव्स हैं जो
अंदर की तरफ है, वो उल्टी साइड अंदर की तरफ है। अब स्लीव्स के फ्रंट साइड से हाफ इंच फैब्रिक को कट कर देंगे। अब अनारकली कुर्ती के फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट को राइट साइड से रख लिया है मैंने 2 इंच की, और एब की स्ट्रिप ले ली है। अब इस स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और नेक के ऊपर रख लेंगे। इस तरीके से स्ट्रिप को नेक के ऊपर रखते जाएंगे और उसके ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। फ्रंट नेक पर और एब की स्ट्रिप को अटैच कर लिया और इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे सिलाई को बचाकर। अब और एब की स्ट्रिप को उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट नेक को रेडी कर लिया और एब की स्ट्रिप को उल्टी साइड फोल्ड करके अब बैक नेक को रेडी करेंगे। मैंने ये पेपर पेस्टिंग ले लिया है और इसको 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड से नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। नेक की 2 लेंथ पर मार्किंग करेंगे, एक 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और दूसरी 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेंगे, अब राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब दूसरी मार्किंग करेंगे, इस पॉइंट को कॉर्नर वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। कॉर्नर से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखेंगे और 1 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। जैसे नेक की मार्किंग कर रखी है एज इट इज 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दूसरी साइड से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग पर बैक नेक की मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब एज इट इज दोनों मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे। पहले बाहर वाले मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। अब दूसरी मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। बैक नेक की कटिंग कर लिया है। अब इसको फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। फैब्रिक को राइट साइड से रख लिया है और नेक डिज़ाइन को इसके ऊपर रख लिया है। अब आयरन कर लेंगे। नेक डिज़ाइन को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। पहले फैब्रिक पर कट लगा लेंगे जहाँ पर कॉर्नर है। अब इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को नेक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। नेक डिज़ाइन को फैब्रिक पर रख लिया है। अब कुर्ती के बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है और इसमें कट लगा लेंगे सेंटर में। अब इसको ओपन करेंगे। नेक डिज़ाइन में भी सेंटर में कट लगा लेंगे। कुर्ती के बैक वाले पार्ट को राइट साइड से रख लिया है, उसके ऊपर नेक डिज़ाइन को उल्टी साइड से रख लिया है। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला लिया है। अब इसके सेंटर में एक मोटे वाली सिलाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे नेक का डिज़ाइन बना रखा है एज इट इज़, इसके पेपर पेस्टिंग वाले नेक के बिल्कुल साइड से सिलाई लगा लेंगे। साइड में सिलाइयाँ लगा ली है नेक के, 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड से ऊपर से 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब नेक के और फैब्रिक के बीच में डोरी को रखेंगे। दूसरी साइड भी नेक के और फैब्रिक के बीच में डोरी को रखेंगे। अब नेक के साइड से सिलाई लगा देंगे। नेक के बिल्कुल साइड से सिलाई लगा ली है। पहले सेंटर से इसको कट कर लेंगे। सेंटर से कट कर लिया। अब जैसे नेक का डिज़ाइन है वहाँ से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। दूसरी साइड से भी 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और यहाँ से भी 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई को छोड़कर। सिलाई को छोड़कर अब इसमें कट लगा दिए हैं। अब नेक को उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे। नेक को उल्टी साइड फोल्ड कर लिया। अब नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है और डोरी भी अटैच कर ली है। अब कुर्ती के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अनारकली कुर्ती के शोल्डर पर सिलाई लगा ली है और दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। दूसरी साइड से भी इसके ऊपर फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरे वाली स्लीव्स को भी अटैच करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अनारकली कुर्ती के टॉप पार्ट में दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1/2 इंच और फोल्ड कर लेंगे
और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब अनारकली कुर्ती के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड से रखा हुआ है, इसके ऊपर बॉटम पार्ट को रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अनारकली कुर्ती के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। कुर्ती को उल्टी साइड से फोल्ड करके फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है दोनों साइड एज इट इज इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अनारकली कुर्ती के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दी है फिनिशिंग के साथ। अब कुर्ती को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक हाफ इंच और फोल्ड कर लेंगे। चारों साइड से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो इस पे पिको भी कर सकते हैं। अनारकली कुर्ती को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। चूड़ीदार फुल स्लीव्स अनारकली ड्रेस बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज के अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।